हरे कृष्णा राधे राधे। आज आपको कार्तिक माह पूरा होने के बाद कही जाने वाली एक कहानी बताते हूँ। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा यानी पड़वा को पढ़ते हैं। इसे चुड़ा चुड़ी की कहानी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो कहानी बता रही हूँ चुड़ा चुड़ी की। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चार चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। सभी एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली थी। कार्तिक आने से पहले एक चिड़िया ने पेड़ के नीचे बात कर रही दो औरतों की बातें सुनी। वो औरतें कार्तिक माह की चर्चा कर रही थी, कार्तिक माह का व्रत और स्नान के फल नियमों के बारे में बातचीत कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी बाकी सहेलियों को कार्तिक माह के बारे में बताया तो सभी कार्तिक स्नान और व्रत के लिए तैयार हो गई। चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे के एक पेड़ पर जा बसी। गंगा जी पर नहाती, पूजा करती और व्रत रखती। इस तरह करते करते पूरा कार्तिक माह बीत गया। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि आज खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा पहले नहाकर आते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी सारी नहीं आई थी। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई तो पहली चिड़िया को सोते देखा और बाकी दो चिड़िया तो अभी आई नहीं थी, तो उसको भी बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वो भी सो गई। इसके बाद तीसरी चिड़िया आई, उसने दो चिड़ियाओं को सोते देखा और चौथी चिड़िया को कहीं नहीं पाया, तो उसे लगा चौथी चिड़िया तो अभी नहा रही होगी। तीसरी चिड़िया को भी बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। फिर चौथी चिड़िया आई तो उसने सबको सोते देखा और खिचड़ी को भी खाली देखा, तो उसे लगा इन तीनों ने मिलकर खिचड़ी खा ली है। उसने खिचड़ी की खुरचन ही खा ली। खाने के बाद दैव योग से तूफान आया और चारों चिड़िया मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लिया। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई, हथनी भी राजा के महल में ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। अब राजकुमारी का विवाह तय हुआ, उसको महल छोड़ के जाना था। उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को ससुराल लेके जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा अब क्या हुआ, अब क्यों उदास हो? तब उसने कहा मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ, और नौकर भेजे हथनी को लाने के लिए। लेकिन हथनी जाने के लिए अपने स्थान से उठी नहीं रही थी। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में अपने पिछले जन्म की सारी बातें कही, जिसे सुनते ही हथनी उठ के खड़ी हो गई। राजा ये सब देख ही रहा था। उसने तलवार निकाल कर राजकुमारी से पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो और जानवरों से कैसे बात कर लेती हो? सब सच नहीं बोलोगे तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। अब आपको चिड़ा चिड़िया की दूसरी कहानी बताती हूँ। किसी एक जंगल में बरगद के एक बहुत बड़े पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। दोनों बड़ी मस्ती में गाने गाते, नाचते और मजे से रहते। चिड़िया सीधी सादी और भोली थी, लेकिन चिड़ा बहुत चलाक और कामचोर था। चिड़िया के मन में दया भावना और भगवान की भक्ति थी। वे हर कार्तिक स्नान व्रत करती। चिड़िया खुद तो कुछ करता नहीं था और चिड़िया को भी करने से मना करता रहता। चिड़िया ने कार्तिक व्रत लिया और एक समय ही खाना खाती। चिड़ा और चिड़िया सुबह उठकर साथ ही दाना दुनका करने के लिए जाते थे। एक समय चिड़िया का कार्तिक व्रत समाप्त हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन दोनों सुबह खाना ढूंढने गए, पर उस दिन दोनों को खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी। चिड़िया सच्चे मन से भगवान को याद कर रही थी। दाना ढूंढने के लिए दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए और दूर गांव में एक घर में जाकर घुसे। उस घर में आंगन में ही एक बर्तन में दाल और दूसरे बर्तन में चावल रखे थे। दाल और चावल देखकर चिड़िया चिड़िया से बोला, क्यों ना आज हम खिचड़ी बनाकर खाएं? चिड़िया ने भी हाँ कर दी। चिड़िया ने अपनी चोंच में दाल भर ली और चिड़िया ने चावल भर लिए। दोनों अपने बरगद के पेड़ पे वापस लौट आए। वापस लौटते ही उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी इतनी अच्छी बनी कि उसकी जो खुशबू थी वो दूर दूर तक फैल रही थी। चिड़ा बड़ा चलाक और कामचोर होने के साथ ही बहुत बड़ा पेटू भी था।
उसने सोचा कि खिचड़ी अगर आधी आधी बाटी तो मेरा पेट तो नहीं भरेगा और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। उसने एक चाल चली, वो चिड़िया से बोला, अभी खिचड़ी बहुत गर्म है, गरम गरम खिचड़ी खाने से मुंह जल जाएगा, चलो तब तक खिचड़ी ठंडी हो तब तक पास के तालाब में नहा आते हैं, फिर आराम से बैठकर मजे से खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया ने बोला ठीक है। फिर चिड़िया बोला, देखो अगर हम दोनों साथ में नहाने जाएंगे तो पीछे से कोई जानवर हमारी खिचड़ी खा जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं पहले मैं नहाकर आता हूँ, जब मैं नहाकर आ जाऊंगा तो तुम नहाने चली जाना। ये कहकर चिड़िया तालाब पर नहाने चला गया और जल्दी से नहाकर वापस लौट आया। उसने चिड़िया से कहा, अब तुम नहा आओ, जल्दी लौट कर आना, फिर दोनों खिचड़ी खाएंगे, तब तक मैं यहाँ खिचड़ी की रखवाली करता हूँ। जैसे ही चिड़िया नहाने गई तो चिड़िया खिचड़ी पर टूट पड़ा और कुछ देर में ही सारी खिचड़ी चट कर गया। वो चिड़िया के आने से पहले ही चादर उड़कर सो गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया नहाकर आई, उसने देखा कि खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है और चिड़िया चादर तान कर सो रहा है। चिड़िया को समझते देर नहीं लगी कि ये सब चिड़े की करतूत है। उसने गुस्से में चिड़े की चादर खींचकर उसे जगाया। चिड़ा चिड़िया को गुस्से में देखकर अनजान बनने का नाटक करने लगा। चिड़ा बोला, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, नहाकर आने में तुमने बहुत देर लगा दी, मैं तो इतना थक गया था कि इंतजार करता करता ही सो गया, अब तुम आ ही गई हो तो चलो अब हम खिचड़ी खाते हैं। चिड़िया को यह सुनकर और गुस्सा आया और वो बोली, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ गई हूँ, खिचड़ी तुमने छोड़ी ही कहाँ है खाने के लिए, वो तो तुमने पहले ही सारी चट कर ली। चिड़िया बोला, ये तो बिल्कुल झूठ है, मैंने खिचड़ी नहीं खाई, मुझे सोता हुआ देख कर शायद कोई और जानवर खिचड़ी खा गया होगा। चिड़िया बोली, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, तुम झूठ बोल रहे हो सच, इसका फैसला हमारे भगवान करेंगे, मैं किसी भी तीसरे पंछी को बुला के लाती हूँ, वही इस बात का फैसला करेगा। थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पे एक कौवा रहता था। चिड़िया ने कौवे को बुलाया और सारी बात बताई और कौवे से बोला कि आप फैसला करो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। चिड़िया की सारी बात सुनकर कौवा सारा माजरा समझ गया और वो बोला, मैं तुम दोनों की कच्चे धागे से परीक्षा लूंगा, तुम दोनों को बारी बारी से पीपल के इस पेड़ से लटके हुए एक कच्चे धागे से झूलना होगा, तुम में से जो भी झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा, जो सच्चा होगा उसका धागा नहीं टूटेगा। चिड़िया और चिड़िया दोनों परीक्षा देने के लिए राजी हो गए। चिड़े ने चिड़िया से कहा, चिड़िया रानी पहले तुम झूलो, मैं तुम्हारे बाद झूलूंगा। चिड़िया बहुत भूखी थी इसलिए उसका वजन भी कम था, वो बड़े आराम से कच्चे धागे से झूल गई, उसके वजन से धागा नहीं टूटा। अब चिड़े के झूलने की बारी आई, चिड़िया डरते डरते कच्चे धागे से लटका, लेकिन उसके लटकते ही धागा टूट गया क्योंकि वो सारी खिचड़ी अकेला जो खा गया था, ढेर सारी खिचड़ी अकेले खाने की वजह से उसका वजन भी बढ़ गया था। चिड़िया धड़ाम से जमीन पे आके गिरा, उसके मुंह और पैर पे भी चोट लग गई। कौवे ने कहा, हो गया फैसला, चिड़िया सच्ची और चिड़िया झूठा, सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। चिड़े ने अंत में अपनी गलती मान ही ली। उसके बाद चिड़े ने अकेले ही सारा सामान लाकर चिड़िया के लिए खिचड़ी बनाई, जिसे चिड़िया ने भगवान को भोग लगाकर प्रेम से खाया। दैव योग से उसी दिन शाम को दोनों की मृत्यु हो गई। कार्तिक व्रत के प्रभाव से चिड़िया ने राजा के घर में जन्म लिया और चिड़िया गधा बन गया। हे कार्तिक के देव, जैसे चिड़िया पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते उकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो कार्तिक के देव की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर कार्तिक माह की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।